हे हाय, वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है वैल्यू स्टडी। ये स्टडी बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके बिना हम कोई भी ड्राइंग में डेप्थ क्रिएट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आज हम जानते हैं वैल्यू स्टडी होती क्या है और हम इसे किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इसको डार्कनेस और लाइटनेस के आधार पे हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि जो भी ऑब्जेक्ट में लाइट एंड डार्क टोन्स दिखाई देते हैं उन्हें हम वैल्यूज़ बोलते हैं। जैसे कि स्क्रीन पे आपको 7 टाइप्स के टोन्स दिखाई दे रहे हैं। हमारी ड्राइंग तब तक ड्राइंग नहीं लगती जब तक हम उसमें वैल्यूज़ ऐड नहीं करते, लाइट टू डार्क टोन्स यूज़ नहीं करते। लेट्स स्टार्ट वैल्यू स्टडी। जैसे कि मैं अभी यहाँ रफ स्केच बनाने वाली हूँ और उसमें आपको लाइट टू डार्क से वैल्यू करके ड्रॉ करूँगी, रफली स्केच करूँगी। ऐसे मैं एक बॉक्स बनाती हूँ बिल्कुल रफली ऐसे। यहाँ मैं पहले 2B पेंसिल से सेट करूँगी, फिर ब्रश से मर्ज करूँगी। और एक लेयर डार्क टोन की चढ़ाएंगे। जब तक वैल्यूज क्रिएट नहीं हो जाती तब तक लेयर चढ़ती रहेगी और हम उसे मर्ज करते रहेंगे हाईलाइट छोड़कर। वीडियो मैंने फास्ट कर रखी है ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए, जस्ट वैल्यू ऐड करके आपको दिखा रही हूँ। या तो हम टिश्यू पेपर से भी मर्ज कर सकते हैं, लेकिन ब्रश स्मूथली स्ट्रक्चर आता है इससे। अभी क्या है ना, कोई भी इरेजर चल सकता है। इरेजर लेके हाईलाइट क्रिएट करेंगे, जहाँ जहाँ हाईलाइट होती है वहाँ पे हाईलाइट क्रिएट करेंगे। Thank you.
ये मैंने वैल्यूज ऐड की हैं यहाँ ऐसे, ये हमारी हाईलाइट, ये हुआ शैडो पॉइंट, ये हुआ रिफ्लेक्टेड लाइट, और ये कॉस्ट शैडो, ये हुआ कोर शैडो, ये मिड लाइट, मिड टोन।